मतलब यार मैं ऐसे किसी को देखो जज नहीं कर रहा हूँ, किसी चैनल वगैरह को जो दिल्ली के अंदर कुछ एरिया जहाँ पे भाई लोग खड़े होते हैं, आप समझ रहे होगे ना, वो सब चीज़ें दिखाते हैं दिल्ली नाइट लाइफ के, उसमें भाई वो ही है क्या दिल्ली नाइट लाइफ। मतलब यार मैं ऐसे किसी को देखो जज नहीं कर रहा हूँ, किसी चैनल वगैरह को जो दिल्ली के अंदर कुछ एरिया जहाँ पे भाई लोग खड़े होते हैं, आप समझ रहे होगे ना, वो सब चीज़ें दिखाते हैं दिल्ली नाइट लाइफ के, उसमें भाई वो ही है क्या दिल्ली नाइट लाइफ। जब कोई मैनेजर रिसीव करता है ना तो वो मोस्टली वीआईपी टेबल होती है, वरना हर कोई ऐसे किसी को रिसीव नहीं करता, वो जानता ही नहीं किसी को। यहाँ देखते हैं हमें पुलिस वाले पकड़ते हैं नहीं पकड़ते, वैसे तो पकड़ गए पुलिस वाले, क्योंकि पता नहीं वो क्या हो जाता है। खैर अपने पास यहाँ पे भी कागज़ पूरे ही हैं, ये फिर वे के उधर जाते हुए एक बैरिकेड पड़ता ही है भाई हमारे घर में, घर से आते हुए एक बैरिकेड पड़ता ही है, पड़ता ही है, पड़ता ही है, जहाँ सबको रोका जाता है, रोका जाता है, रोका जाता है। हो 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 हो। खड़े ही नहीं है पुलिस वाले, तो बैठे हुए हैं भाई, गर्मी बहुत हो रही है, वो देखो बैठे हुए हैं तीन पुलिस वाले, एक तो सो रहा है भाई, गर्दन लटकी हुई है उसकी, सही है भाई सो भी रहा है तो भाई दिक्कत हो जाती है जो सोते नहीं है ना रात में, उनको दिक्कत हो ही जाती है भाई, बहुत मेहनत करते हैं बेचारों। अभी वो गए हैं, अभी तो हाल ही फिलहाल में वो गए हैं, क्या नाम है, इलेक्शन, और इलेक्शन उन्हें इनकी भाई बैंड बजी पड़ी थी, हर गाड़ी को रुकवाते थे सबके, वो चेक करते थे, क्या नाम है बड़ी यूज़ बहुत यूज़ करता हूँ, क्या नाम है ऐसा यूज़ करना नहीं चाहिए ज़्यादा मेरे को। मैं बोल रहा था गाड़ियाँ चेक करते थे सारे, अब आ जाएगा इंडिया गेट इसके बाद। आपको ये लग रहा होगा ना मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं खड़ा भाई, ये अपना विज्ञान भवन है भाई, विज्ञान भवन एजेंसी, खड़ा क्यों खड़ा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कैमरा भाई ओवर हीट हो गया, जबकि टेम्परेचर यहाँ पे गिरावट है, क्योंकि यहाँ पे भाई चने की पूरी एरिया है। हेलो, वी आर रीच एट द प्रीवे, बाहर खड़े हो गए, बाद में बातें करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक फ्रेश लाइम बनवाएंगे सॉल्टी, जिससे कि प्यास ख़त्म हो, भाई प्यास लग रही है बहुत तेज, ऑपरेशन वैसे स्टार्ट हो गए हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर बकचोदी गाइस, नाउ इट्स टाइम फॉर द बकचोदी, भाई एक बंदे की आवाज़ आएगी हमारे पीछे खड़े के, फ़ोन पे बात कर रहा है ना वो, बहुत गर्मी हो रही है भाई, फ्रेश लाइम पीना बनता है। देखो आ जाओ फ्राइडे नाइट, और जो एंट्री प्रोसीजर मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ, कपल एंड सिंगल लेडीज़ की एंट्री फ्री है हमारी क्लब गो ऐप के थ्रू, ठीक है, और सिंगल मेल चार्ज होगा 6000, आप वॉकिंग ट्राई कर सकते हो, हमारी ऐप से तो बुक हो नहीं सकता, और गेट अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट, क्योंकि मैं टाइम पे आता हूँ, पहले की तरफ जल्दी नहीं आता, जैसे हाफ एन आवर पहले आ जाया करता था, जल्दी आके करेंगे भी क्या, बड़ा सही बनाया यार, पुदीने वाला टेस्ट है हरा पूरा, बोला था उन्होंने के साथ नया ट्राई करके दिया, नया बना के ट्राई करो, यानी ओके की रिपोर्ट आने दो। वी आर हियर गाइस एट द गेट ऑफ प्रीवे, ओह माय गॉड, नो 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 नो, तो सीन ही है भाई, और हमारा फ्राइडे नाइट अभी चल रहा है, और बसड स्टार्ट हुई है जस्ट, और जो बसड़ है वो बहुत अच्छी होती है हमारी बसड़, मज़ा आता है उस बसड़ में। मार गया अभी तो गोप्रो ही हीट मार रहा था, आज ये भी हीट मार गया, देखो तीन बार हीट इतना मार गया, इसको बंद स्विच ऑफ करके ऑन करना पड़ रहा भाई, साला आईफोन भी हीट मार रहा जिम में रख रखे, क्या हो गया भाई मेरे गैजेटों को समझ नहीं आ रहा, हालांकि चार्जिंग पे भी लगा हो सकता है, इसका भी कोई मेन रीज़न रहा हो, बट बहुत हीट मार रहे हैं भाई फ़ोन।
हमारे व्यू के भाई आज तो आ गया ब्लॉग में। Hey, what's up, my beautiful people out there? इसका 3 बजे साइड स्टार्ट होगा। पार्टी करने आ रहे हैं वो देखो, है ना। गेस्ट लिस्ट तो बंद होगी, सारी पेड एंट्री है, VIP टेबल होगी जरूर। आई एम डैम श्योर जिस तरीके से आ रहे हैं सबसे हैंडल करते हुए। उसके बाद ऐसा पता कब होता है, जब कोई मैनेजर रिसीव करता है ना तो वो मोस्टली VIP टेबल होती है, वरना हर कोई ऐसे किसी को रिसीव नहीं करता, कोई जानता ही नहीं किसी को। ये भी वंस इन अ मंथ पार्टी करने वाले होते हैं, बट ये जो लोग होते हैं ना भाई अपनी टेबल बुक करते हैं भाई, तो अब इतनी तो प्रिविलेज इनको देनी पड़ती है भाई। गेस्ट है भाई, एक VIP टेबल पे स्पेंड कर रहा है तो इसका भाई ध्यान रखते हैं, पहले से बुक करा देते हैं और मैंने रिसीव करने आते हैं भाई। ये तो एक हर किसी चीज़ में चलन है भाई। वी आर गोइंग होम गाइज, वी आर गोइंग होम। गार्ड बेसिकली ना सिर्फ गेट खोलने आते हैं बेचारे, और भाई चेकिंग भी करते हैं कहाँ से आए हो, किस में किसके स्टाफ हो, ये सब पूछते भी हैं। तो अभी तो पूछना इन्होंने बंद कर दिया था, बट अभी फिर से पूछने लगे और अच्छी बात है ये। और ये थी हमारे भाई फ्राइडे नाइट आज की, और आज थोड़ी सी ना भाई तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी भाई, मतलब बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे मेरे को आज खड़े खड़े ही, पता नहीं क्या हो गया। फिर मेरे को मैं बाहर आया, मैं गया थोड़ी देर बाहर खड़ा रहूँगा, सब पूछ रहे थे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। मैंने कहा भाई कुछ नहीं हुआ यार, बस थोड़ा सा पसीने आ रहे हैं। तो लोग कह रहे भाई नमक वाला फ्रेश लाइम पी ले या कॉफ़ी पी ले, भी पी लो तो नहीं हो गया, हाई तो नहीं हो गया, ऐसा तभी होता है। मैं कहा ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, जब मैंने क्या नाम है, फिर जब मैंने पानी पिया ना और थोड़ी देर फ्रेश एयर में खड़ा रहा तब जाके थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, अदरवाइज़ भाई पसीने आ रहे थे मेरे को, लिटरली पसीने आ रहे थे भाई बहुत ज़्यादा। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है अब, आज तो GoPro फिर से निकलते निकलते बंद हो गया था, क्या ही करें भाई। और आप लोगों को दिख ही रहा होगा व्यू, ये है हमारा CP भाई, कनॉट प्लेस। आजकल ना यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मैं जब भी मैं गूगल में सर्च कर रहा था दिल्ली नाइट लाइफ भाई, वहाँ पर पता है क्या दिखा रहे थे सबसे ज़्यादा, दिल्ली नाइट लाइफ। मतलब यार मैं ऐसे किसी को देखो जज नहीं कर रहा हूँ, किसी चैनल वगैरह को जो दिल्ली के अंदर कुछ एरिया जहाँ पे भाई लोग खड़े होते हैं, आप समझ रहे होगे ना, वो सब चीज़ें दिखाते हैं दिल्ली नाइट लाइफ के उसमें। भाई वही है क्या दिल्ली नाइट लाइफ, या नाइट लाइफ कहीं भी चले जाओ आप,
थाईलैंड में, फुकेत में लोग वहाँ जाते हैं, वो भी वहाँ पे भी वही दिखा रहे होते हैं। नाइट लाइफ पता नहीं भाई, मुझे लगता है कि ये भी पार्ट होगा एक नाइट लाइफ का, अगर होता होगा तो लोग, क्योंकि अगर दिखा रहे हैं तो होता ही होगा। ये पकड़ रहा हुआ है लोगों को इधर खड़े हुए, पुलिस वाला खड़ा हुआ है, रोका हुआ है सबको। तो भाई ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई, ऐसा क्यों हुआ, क्या चक्कर है, क्यों दिखाते हैं ऐसे लोग। और भाई लोग लड़कियों का फिर उसमें जो ऐसे हैं वो वैसे लोग लड़कियों का फेस भी दिखा देते हैं फिर वहाँ पर। जय श्री राम, जय श्री राम बजरंगबली। भाई लोग उनका लड़कियों का फेस भी दिखाते हैं उसके अंदर जब ऐसे जाते हैं बात करने, जो रोड पे खड़ी होती हैं, मुझे वो चीज़ ही समझ नहीं आई यार, ऐसा क्यों है। अब सबका अपना अपना है भाई, पर पता नहीं फिर उनकी ऑडियंस कैसी होती होगी, क्योंकि भाई मेरे को तो वैसी ऑडियंस चाहिए नहीं। मतलब वैसे आप लोग जो मेरे चैनल को देखते हो, मैं तो नहीं चाहूँगा आप वैसे हो, कि भाई कुछ हैं छिछोरे मेरे को ऐसे ऊटपटांग DM करते हैं और फिर बोलते हैं आप रिप्लाई नहीं करते। अरे इन चीज़ों का क्या रिप्लाई करूँ, तुम तो उलटपटांग तो क्वेश्चन पूछते हो, ठीक से पूछोगे तो मैं रिप्लाई भी दूंगा। और हवा इतनी तेज़ चल रही है, पूछो मत, गर्म गर्म हवा है। जब आर्मी वाले हमारे घर के पास, जो आर्मी एरिया है, जब वहाँ जाएंगे तब जाके हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, इसलिए मैंने जैकेट भी नहीं पहनी भाई, और पसीने लाती है वो जैकेट। भाई मैं पहाड़ों के चक्कर में जाने की सोच रहा हूँ पर चक्कर नहीं लग पा रहा है। ये देखो इतनी महंगी गाड़ी है BMW, ये नहीं एक सर्कल मान ले थोड़ा सा, 200-300 मीटर फालतू चलेगी सर्कल में, डाकखाना का सर्कल है वाला, इस पर 200-300 मीटर चलेगी गाड़ी फालतू। पर लोगों को पता नहीं भाई क्या ही चुले, और कोई वहाँ से तेज आ रहा होगा उड़ा देगा गाड़ी इसकी, फिर लड़ाई, चलानी नहीं आती, ये है वो है। रात को भाई लोग ऐसे ही तो करते, तभी तो क्या नाम है पंगा होता है। एक्चुअली वो ट्रक है ना, वो देखो ट्रक, वो इतना बड़ा ट्रक भाई, मेरे ख्याल से वो होगा 15 तो कैसे ही होगा, 16 या 18 वाला होगा, या 20 वाला टायर वाला होगा, टायरा बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में इसको, हमारे पिताजी का यही काम था ना ट्रकों का, तो इनको ऐसे वर्ड ही से बोलते हैं, 20 टायरा 18 टायरा। उन ईवन नंबर होता है, मतलब ऑड नंबर तो होता ही नहीं ट्रक में, ईवन नंबर होता है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रक को पहचाना जाता है। उसके अकॉर्डिंग पहचानते हैं ट्रकों को, तो ये वो वाले इतने बड़े ट्रक अलाउ नहीं अंदर जाना, बट क्या पता उसके पास परमिशन हो, CP साइड वगैरह जाना अलाउ नहीं है, इसलिए पुलिस वाला भागा फटाफट बैरिकेड से उस तरफ।